सोनीपत विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में बने मंदिर के पुजारियों को मासिक मानदेय दिया जाएगा। शुक्रवार को सोसाइटी के संस्थापक बाबा अमित बिंदल ने करीब 70 पुजारियों को अपने आवास पर भोज कराने के साथ 1100 रुपए देकर इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मानदेय को बढ़ाया जा सकता है, इससे पुजारियों का सम्मान बढ़ेगा। बाबा बिंदल ने बताया कि सोनीपत में पिछले कई माह से बाबा बिंदल की रसोई चला रहे हैं, जहां पर लोगों को भरपेट भोजन दिया जाता है। जल्द ही इनकी सोसाइटी सोनीपत विस्त के अलग अलग कोने में 3 और रसोई चालू करने जा रही है। रसोई में नाम मात्र 10 रुपए शुल्क लिया जाता है। लोगों को नहीं लगता कि वह मुफ्त खाना खा रहे हैं। पिछले करीब 5-6 महीने से हमारी जो संस्था है जन सेवक वेलफेयर सोसाइटी, वो लगभग 250 से 300 लोगों को रोज़ाना भोजन कराती है और हफ्ते में 5 दिन ये संस्था जन खाना चलाती है 12 से लेकर 3 बजे तक का। इस तरह से और भी अनेक कार्य हैं, चाहे अगर हम पशुओं की बात करें, उनको उनके चारे की बात करें, या जहाँ भी जहाँ हमें कोई ज़रूरतमंद लगता है, चाहे कपड़ों की बात करें, जिस तरह की कोई भी हमें परेशानी नज़र आती है ग्राउंड पर, हम वहाँ पर पहुँचते हैं, हमारी संस्था पहुँचती है। और इस तरह से आने वाले समय में आपके चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहूँगा, बहुत जल्द आज एक रसोई हम चला रहे हैं, पिछले 5 से 6 महीने से हम चलाते आ रहे हैं। इस रसोई के अलावा हम 3 रसोई और इस सोनीपत विधानसभा में शुरू करने वाले हैं आने वाले समय के अंदर, और बहुत जल्द इस जून के महीने में ये बाकी जो 3 रसोई हैं अलग हिस्सों में क्षेत्रों में सोनीपत विधानसभा की शुरू हो जाएंगी, और भी अनेक कार्य इस तरह के हम करते रहेंगे। आज हमने सोनीपत विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग मंदिरों से पुजारियों को निमंत्रण दिया था और वो भोज पर आए थे। चर्चा का विषय था कि हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह से मंदिरों के पुजारी हैं उनको भी मासिक वेतन मिले, उसी के तहत हमारी संस्था है जन सेवक वेलफेयर सोसाइटी, जो कि इस मुहिम को शुरू करने के लिए, क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू किया जाता है तब वो आगे बढ़ता है, तो उसको शुरू करने के लिए जन सेवक वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से सोनीपत विधानसभा के हर मंदिर से एक पुजारी को 1100 रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा। आने वाले समय में हर महीने ये प्रक्रिया जारी रहेगी, और सभी ने विश्वास भी दिलाया है आने वाले विधानसभा में एकजुट होकर के बाबा बिंदल का वो लोग साथ भी देंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।